हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एट 8 to 7 में। आज हम नेक्स्ट सीरीज लेके आए हैं 5000+ क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1, किसे रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। तो विटामिन को रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जाता है। तो महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है। तो 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ का शासक कौन था। राणा रतन सिंह। झुकी हुई मीनार किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। तो इटली का। किस स्थल पर प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं। तो साउथहैम्पटन में आते हैं 4 बार ज्वार। ठीक है, 4 बार ज्वार आते हैं कहाँ, साउथहैम्पटन में। क्वेश्चन नंबर 7, धर्म सुधार आंदोलन का जनक किसे माना जाता है। तो मार्टिन लूथर किंग को। क्वेश्चन नंबर 8, वित्त मंत्रालय द्वारा आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना कब लागू की गई थी। तो 1 जुलाई 1997 को। आध्यात्मिक क्षेत्र में किसका शिवाजी के आचरण पर सर्वाधिक प्रभाव था। रामदास का। द टाइम्स किस देश का प्रमुख समाचार पत्र है। ब्रिटेन का। किस अम्ल को एस्पिरिन कहा जाता है। तो एसिटिक सैलिसिलिक अम्ल को एस्पिरिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 13, वसा विटामिन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 14, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन किस युद्ध में हुआ। तो बेदरा के युद्ध में हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, द टाइम्स मुख्यतः किस शहर से प्रकाशित होता है। तो लंदन से प्रकाशित होता है। किस खाड़ी में ज्वार की सर्वाधिक ऊंचाई होती है। तो फंडी की खाड़ी में ज्वार की सर्वाधिक ऊंचाई होती है। वेस्टचेस्टर कप एवं काउड्रे पार्क स्वर्ण कप किस खेल से प्रदान किए जाते हैं। तो पोलो में प्रदान किए जाते हैं। विनिर्माण क्षेत्र में कुल उत्पादन में लघु उद्योगों का अंश कितना होता है। 40% होता है। 1759 के बेदरा के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान NEERI कहाँ स्थित है। नागपुर में स्थित है। थर्मोकपल तारव्यूपक किसने बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है। तो दो अदृश्य धातुओं से। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहे। तो जवाहरलाल नेहरू आसीन रहे। द्रवित अमोनिया का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक सचिव कौन थे। तो ठक्कर वापा थे। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा पठार एशिया की छत कहलाता है। तो पामीर का पठार एशिया की छत कहलाता है। विश्व में सर्वाधिक बकरियाँ किस देश में पाई जाती हैं। भारत में सर्वाधिक बकरियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 28, योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है। तो चयनित आधारभूत उद्योग है। हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो घनश्याम दास बिरला थे। जीवी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है। स्टूडेंट्स, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है। तो ध्वनि से संबंधित है। भारत की 3 सेवाओं का सुप्रीम कमांडर अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। किस गैस को मार्श गैस के नाम से जाना जाता है, मीथेन को। सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ, 1916 में। विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है, मामल्लपुरम में। पृथ्वी के अलावा किस एकमात्र ग्रह पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है, मंगल पर व्यक्त की जाती है। ऑक्सीश्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है, CO तथा जल होता है। क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। दादा भाई नौरे जी ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। तो सुरकोटदा से प्राप्त हुई हैं। किसने दिल्ली चलो का नारा दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 12, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस पल्लव शासक के समकालीन थे, तो दंतीवर्मन के। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था,
तांबा का, किसने करो या मरो का नारा दिया? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 16, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 17, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? 1896 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय आय के आकलन में मूल्यह्रास की गणना किस पर की जाती है? तो केवल पूंजीगत वस्तुओं पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, वस्त्र बुनने की कला किस काल में प्रारंभ हुई? तो वस्त्र बुनने की कला किस काल में प्रारंभ हुई? नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई। किसने कहा आराम हराम है? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि आराम हराम है। क्वेश्चन नंबर 21, सेल्सियस पैमाना को पूर्व में क्या कहा जाता था? तो सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? क्रमशः 50-50 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस का मुख्य संगठक कौन सा है? तो मीथेन है। कुतुब मीनार किसकी स्मृति में बनवाया गया? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाया गया कुतुब मीनार। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं, किसने कहा इलेक्ट अ गवर्नमेंट डेट वर्क? इंदिरा गांधी ने कहा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 27, प्रतिरक्षा शब्दावली में हमले के नियत समय को क्या कहा जाता है? 0 आवर। भारत में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। क्वेश्चन नंबर 29, देवगिरी वारंगल द्वार समुद्र मालाबार एवं मदुरा विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना को सेनापति कौन था? तो मलिक काफूर था। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं, भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन सी है? तो PTI है। तो स्टूडेंट्स, ये तो थे आज के टॉप 60 क्वेश्चंस। आगे के क्वेश्चंस की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।